गाइस तो कैसे हो आप सब। आई हो मेरी YouTube फैमिली काफ़ी अच्छी होगी और होनी भी चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं देवी पिंडी वाली साइड, तो ऐसे ही प्लान बना, नवरात्रे भी थे, तो चलो चलते हैं फिर ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी हम निकलने लगे हैं। तो गाइस ऐसे ही प्लान बना, फ्रेंड की कॉल आई तो बोलता नवरात्रे या माता रानी के दरबार जाना है, तो हमने सोचा चलो फिर चलते हैं। धीरज प्रथम राहुल जो मेरे फ्रेंड है प्रथम और धीरज वो भी हमारे साथ है, पर वो आगे निकल चुके हैं हमसे, पर हमने भी अभी जाना है। वो कह रहे हैं हम आगे चलते हैं। मैंने उनको बोला कि मैंने अभी ब्लॉग शूट करना है तो हम आराम आराम से आएंगे। ऊपर से हवा बजती है माइक में तो साउंड अच्छा नहीं आता। तभी अभी हम जा रहे हैं आगे वाली साइड। अभी हम मांडा वाले रूट में हैं, आप देख सकते हो मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी मेरे पीछे करण बैठा हुआ है मेरा दोस्त, वो भी हमारे साथ जा रहा है। उसकी ये बाइक है RS 200, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे वाली तरफ। आप वेदर देख सकते हो, हरियाली देख सकते हो, यहाँ की ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, गुड वाइब्स मिलती है यहाँ पे। तो गाइस अभी हमने नगरोटा क्रॉस किया है, अभी हम NH 44 हाईवे पे हैं, आगे वाली तरफ जा रहे हैं अभी। तो गाइस अभी हमको 1 किलोमीटर हो गया यहाँ से चलते चलते, तो अभी तक ट्रक ख़त्म होने पे नहीं आ रहे, पता नहीं कोई सीन बना हुआ है पीछे या आगे। तो गाइस अभी हमने हाईवे क्रॉस करके देवी पिंडी वाले रूट से ऊपर वाली साइड जा रहे हैं, आप देख सकते हो। रास्ता तो मुझे ठीक ही लग रहा है, अभी आगे पता नहीं बो रहे तो कि ख़राब था। तो गाइस यहाँ से आगे जा रहे हैं अभी हम, आप देख सकते हो ये शायद से मोहल्ला है, आगे मोहल्ले पीछे के लोग भी देख रहे हैं हमको। तो गाइस यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है देवी पिंडी को आगे, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, आप देख सकते हो सामने पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं और क्लाउड्स देख सकते हो आप उनके ऊपर। तो वेदर भी इधर का काफ़ी अच्छा है, सर्दी सर्दी लग रही है इधर थोड़ी। तो गाइस अभी हमको 1 किलोमीटर रह गया है देवी पिंडी पहुँचते। आप गाइस रास्ता देख सकते हो कच्चा रास्ता, अभी कह रहे थे कि आगे ठीक है और देखो आगे भी गया, आगे ठीक है। अभी बाइक करण चला रहा है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ की ग्रीनरी चेक कर सकते हो, रूट तो देवी पिंडी का ठीक ही है, देख सकते हो आप हरियाली देखो यहाँ की, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज का, नहीं तो ऐसे गर्मी है हमारे जम्मू में। ये तो चलो जम्मू से अलग ही पड़ जाता है ये रास्ता, ये तो कटरा वाली साइड ही है, आप देख सकते हो हमारी इंडियन आर्मी कैसे लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस अभी हम रुके हैं बिजू टी स्टॉल पर, हमने पानी की बोतल्स लेनी थी, पानी भी पी लिया, अब चलते हैं फिर आगे की तरफ। फिर से तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं देवी पिंडी, अभी हमने अपनी बाइक्स वगैरह यहाँ पे पार्क कर दी है, आप देख सकते हो वेदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, माउंटेन्स भी आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है देवी पिंडी को, अभी यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमने यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, कच्चा रास्ता है थोड़ा टूटा हुआ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, वो देखिए प्रथम धीरज राहुल वगैरह सारे जा रहे हैं, आप पहाड़ देख सकते हो, पहाड़ों के बीच में से रास्ता है ये। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, देख सकते हो आप काफ़ी डेंजरस रास्ता है ये, नीचे खाई है। ये देखो राहुल हमारे खड़े हुए हैं, करण भी वेट कर रहा है मेरा। भैया बोलो ना कुछ, आप छुप रहे क्यों हो? गाइस आप देख सकते हो हमारे फैंस। हमारे फ्रेंड्स
ये भी चल रहे हैं हमारे साथ, आप भी चलो आ जाइए। गाइस यहाँ से बहुत छोटा रास्ता आप देख सकते हो, छोटा सा रास्ता है, साथ साथ में पहाड़ों का पानी आ रहा है यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हो बड़ा छोटा रास्ता है ये, आगे पीछे पेड़ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हो ये पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं और आगे मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। ये देखो पहाड़ों का पानी काफ़ी अच्छा है, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। ये देखो पूरा ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, आगे पीछे पेड़ देख सकते हो, काफ़ी डरावने लग रहे हैं। और ये मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं आगे, थक चुके हैं मुझे लगता है ये। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लॉग करने लगा हूँ एंड आगे का सफ़र मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा।